हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं BAR वर्सेस JAM टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 12 आवर्स 24 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो आज रात 11:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिच बैलेंस के बारे में बात करिए। पिच बैलेंसड पिच है दोस्तों, और ये पिच का एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो ये एवरेज स्कोर 210 रन तक बन सकते हैं, और ये पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करने से मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। @JHOFANTASY सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ना मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, आप उसमें भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है दोस्तों, जिसमें 661 सब्सक्राइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करना दोस्तों। इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद इसी तरह मैं फाइनल टीम दूंगा दोस्तों। जो मैं आपको टीम दूंगा, 5 to 5, 3 spot, 4 spot और 5 spots में ट्राई करने से आप 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैं एक विकेट कीपर को पिक करूँगा, साई होप को और ए थॉमस को। मैंने दो विकेट कीपर को पिक कर लिया। उनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो साई होप ने लास्ट मैच में 19 बॉल्स पर 14 रन मारा था दोस्तों। लास्ट मैच में बैटिंग तो अच्छा नहीं किया था दोस्तों, लेकिन साई होप एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। और ए थॉमस के बारे में बात करें तो ए थॉमस ने लास्ट मैच में 15 बॉल्स पर 10 रन्स। लास्ट मैच में थॉमस भी बैटिंग में फेल हैं दोस्तों, लेकिन ए थॉमस और साई होप एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने बी किंग को लूँगा, और के ब्रेट वाइट और जे ब्लैकवुड को। मैंने तीन बैट्समैन को पिक कर लिया दोस्तों। इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें, के ब्रेट वाइट ने लास्ट मैच में 40 बॉल पर 22 रन मारा था दोस्तों। और बी किंग के बारे में बात करें तो बी किंग ने लास्ट मैच में 34 बॉल्स पर 32 रन दोस्तों। बी किंग ने लास्ट मैच में इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया दोस्तों, लेकिन लास्ट मैच में 32 रन मारा दोस्तों। और ब्रेट वाइट ने 21 रन। दोनों एक इम्पॉर्टेंट बैट्समैन है। और जे ब्लैकवुड के बारे में बात करें तो जे ब्लैकवुड ने लास्ट मैच में 44 बॉल्स पर 31 रन्स। मैंने तीन बैट्समैन को पिक कर लिया, तीनों प्लेयर को स्टार्ट भी बता दिया दोस्तों, लेकिन तीनों प्लेयर लास्ट मैच में फेल हैं दोस्तों, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं। आप इनको 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर में देखा जाए तो आर चेस और ओडियो स्मिथ और आर प्रेमियस को। मैंने पूरा तीन ऑलराउंडर को पिक कर लिया। उनका स्टार्ट के बारे में बात करें तो आर चेस के बारे में बात कर, आर चेस ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया और कमाल का बॉलिंग भी। लास्ट मैच में 81 बॉल पर 86 रन मारा दोस्तों। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया और 10 ओवर डाल के 3 विकेट लिया है दोस्तों। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया है दोस्तों, कमाल का बॉलिंग भी। लास्ट मैच में 86 रन और 3 विकेट लिए हैं, कमाल का ऑलराउंडर हैं। और ओडियो स्मिथ के बारे में बात करें तो ओडियो स्मिथ ने लास्ट मैच में बैटिंग तो इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बॉलिंग कमाल का किया। बैटिंग में लास्ट मैच में 4 ओवर 4 बॉल पर 5 रन मारा था और 8 ओवर डाल के 4 विकेट लिया था। तो लास्ट मैच में 4 विकेट लिया था ओडियो स्मिथ ने 8 ओवर डाल के। आर प्रेमियस के बारे में बात करते हैं, आर प्रेमियस ने लास्ट मैच में 4 ओवर डाला था और 3 विकेट भी लिया था, कमाल का बॉलिंग किया है। तीनों ऑलराउंडर में दोस्तों लास्ट मैच में, और कमाल का बैटिंग आर चेस ने किया, कमाल का बॉलर है दोस्तों ओडियो स्मिथ और आर प्रेमियस ने लास्ट मैच में। मैंने पूरा तीन ऑलराउंडर को पिक कर लिया, उनका स्टार्स भी बता दिया। अब बॉलर्स में देखा जाए तो जे वारिकन और आर सिमंड्स और एन ग्रॉडन को। मैंने पूरा
तीन बॉलर्स को पिक किया। उनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो जे वारिकन ने लास्ट मैच में 10 ओवर डाला था और 0 विकेट। विकेट तो नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, लास्ट मैच में फ्लॉप है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर आपको ये ग्रैंड लीग भी जिता सकता है। और आर सम्यून्स के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 7 ओवर्स डाल के 4 विकेट लिया था, कमाल को बॉलिंग किए थे लास्ट मैच में, 4 विकेट लिया था। और एन गॉर्डन के बारे में बात करते हैं, एन गॉर्डन ने लास्ट मैच में 55 बॉल्स पर 24 रन्स और 9 ओवर डाल के 1 विकेट, लास्ट मैच में कमाल का बॉलिंग किया दोस्तों और कमाल का बैटिंग भी। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेटकीपर को पिक कर लिया और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया और बॉलर्स में मेरा 3 बॉलर्स को पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊंगा साई होप को और वाइस कैप्टन में बी किंग को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 2 विकेटकीपर को पिक किया ए थॉमस और साई होप को और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को लिया जे ब्लैकवुड, बी किंग और क्रेग ब्रैट व्हाइट को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया ओडियो स्मिथ, आर चेस और जे आर प्रीमियस को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया एन गॉर्डन, जे वेरिकन और आर सरमेंडो को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।